ज्योतिषाचार्य जी, चैत्र नवरात्र महज कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, तो माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाएगी। तो इन 9 दिनों में कौन कौन से 9 भोग लगाना चाहिए माता दुर्गा के 9 रूपों की? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। अब इस वर्ष 2024 में जो वासंतिक नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, वसंत ऋतु का नवरात्र, चैत महीने में जो प्रारंभ पड़ीवा प्रतिपदा से आरंभ होकर के नवमी तक जो माँ दुर्गा की पूजा होती है, उसमें विशेष लाभ पाने के लिए, विशेष पुण्य पाने के लिए आप या कोई आपकी मन्नत हो, मनोकामना को पाने के लिए, आप यदि प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग रूपों का अलग अलग भोग लगाते हैं, तो आपको मनोभिलषित फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से कि प्रतिपदा दिन जो है माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री को गाय के घी का बना हुआ मिष्ठान जो है वह अति प्रिय है, इसलिए प्रथम पूजा के दिन शैलपुत्री की पूजा करें और गाय के घी से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। द्वितीया को ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करके पंचामृत का भोग लगाएं। और तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा करके चंद्रघंटा देवी की पूजा करें और दूध की मिठाई, दूध से बनी हुई मिठाई जो होती है उसका भोग लगाएं। चतुर्थ दिन चतुर्थी को माँ कुष्मांडा की पूजा करें और मालपुआ बना करके माँ कुष्मांडा को अर्पण करें। कुष्मांडा देवी को मालपुआ अति प्रिय है, इसलिए प्रिय भोजन आप उस दिन लगाएं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पांचवा दिन स्कंध माता की पूजा करके आप केला का भोग लगाएं। केला पका हुआ, चीनिया केला जो होता है छोटा वाला, उसको आप लें और माँ को भोग लगाएं। छठे दिन कात्यायनी देवी का पूजा करें और मीठा पान माँ को अर्पण करें, और माँ को अर्पण करने के बाद उस पान को आप लेकर के यदि आप प्रसाद के रूप में पाते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। सप्तम में कालरात्रि, सप्तमी को माँ कालरात्रि की पूजा करके गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं तो अति प्रिय है। माँ काली के लिए कालरात्रि माँ काली जो हैं उनको गुड़ की बनी हुई मिठाई अति प्रिय हैं। और अष्टमी महागौरी, महागौरी की पूजा करने के बाद अब नारियल का भोग लगाएं। नवमी सिद्धदात्री माँ का पूजा करके उस दिन खीर पूड़ी हलवा इत्यादि माँ को भोग लगाएं, कुमारी को भोजन कराएं, साथ में ब्राह्मण को भी आप भोजन कराते हैं तो आपको पूरे नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होगा।